जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं अपने ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। दोस्तों दोस्तों आज से आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम शुरू हो गया है और आपको बता दें कि इसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं और कड़ी इंतजाम के साथ आपका ये एग्जाम होने वाला है। आपको बता दें यहाँ तक आप शूज, बेल्ट, पर्स, मोबाइल कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइंस जारी किया है दोस्तों। और बात कर लेते हैं, आप जितने भी अदर स्टेट के बच्चे जो वो भी आके लॉज वगैरह में ठहरे हैं वहाँ पे भी चेक इन होगी और आपका भर्ती अच्छा से कराया जाए, एग्जाम अच्छी से हो, कहीं भी कोई करप्शन ना हो, इसलिए ये कदम उठाए गए हैं। तो आप एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आप जाके उसका आप जा रहे हैं तो उसका गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, फिर एग्जाम देने जाइएगा। एग्जाम सेंटर पे आपको 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। अगर एग्जाम शुरू हो जाता है, अगर टाइम से नहीं पहुंचते तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। दोस्तों एमपी कांस्टेबल का जो वैकेंसी है वो बहुत पारदर्शी कराने का एमपी सरकार ने निर्णय लिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।